धोनी ने नहीं दी इज्जत और किया टीम से बाहर। इस खिलाड़ी ने विराट कोहली के रिकॉर्ड की बराबरी की। आईपीएल में चार बार खिताब जीतने वाली टीम चेन्नई सुपर किंग्स ने मिनी ऑक्शन से पहले एक ऐसे बल्लेबाज को रिलीज करने का फैसला लिया जो अब विजय हजारे टूर्नामेंट में जमकर बल्ला चला रहा है। सीएसके टीम की कप्तानी काफी बरस से दिग्गज एमएस धोनी संभालते हैं। दुनिया की सबसे अमीर टी20 लीग आईपीएल के अगले सीजन से पहले कई टीमों ने बदलाव किए हैं। इसी लिस्ट में चेन्नई सुपर किंग्स भी शामिल है जिसने मिनी ऑक्शन से पहले कुछ खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया है। दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली टीम ने एक ऐसे खिलाड़ी को रिलीज कर दिया जो अब विजय हजारे ट्रॉफी में बल्ले से कमाल दिखा रहा है। नाम है नारायण जगदीशन। विजय हजारे ट्रॉफी के इस सीजन में एन जगदीशन का बल्ला जमकर रन उगल रहा है। जगदीशन ने इस टूर्नामेंट के 5 मैचों में 14 शतक जड़ा है। यह उनका लगातार 34 सेंचुरी है। अभी तक उन्होंने 5 मैचों में 130 से भी ज्यादा के औसत से कुल 522 रन बनाए हैं। उन्होंने आंध्र के खिलाफ नाबाद 114 रन, छत्तीसगढ़ के खिलाफ 107, गोवा के खिलाफ 168 रन और अब हरियाणा के खिलाफ 128 रन बनाए हैं। टूट सकता है कोहली का रिकॉर्ड। जगदीशन इसी के साथ विजय हजारे ट्रॉफी के एक सीजन में सबसे ज्यादा शतक जमाने का रिकॉर्ड बना सकते हैं। वह विराट कोहली के रिकॉर्ड के करीब पहुंच गए हैं। विराट के नाम इस टूर्नामेंट के एक सीजन में 4 शतक जमाने का रिकॉर्ड है। विराट कोहली के अलावा पृथ्वी शॉ, ऋतुराज गायकवाड़ और देवदत्त पड़िक्कल ने इससे पहले ऐसा किया था। अब जगदीशन के पास इन सभी से आगे निकलने का मौका है।